हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैं यूपी में पहुंच चुकी हूँ। उत्तर प्रदेश का जिला मैं आपको लोगों को बताती हूँ। ये कौन सा जिला बताया था यूपी का, कौन सा जिले में अभी? हाँ, बनारा, कंदौवली। तो कंदौवली जिले के यूपी में मैं आ चुकी हूँ। और आप लोगों ने मुझे एक सजेशन दिया था कि आप निधि जो एक मिनट जो ये जो अपनी जो ट्रेन है वो ना आप ना जैसे जो आपका जनरल की जो टिकट है उसी में पैसे ऐड करके आप स्लीपर की बनवा लीजिए टीटी से बात करके। तो हमने बात करी मैंने, और करीबन सुबह के 6 बजे तक तो देखो मैं जनरल वाले डिब्बे में ही थी। तो कल सुबह मेरा सफ़र शुरू हुआ था। सुबह करीबन मैं मतलब 9:30 बजे मैं निकल ली थी, ऑटो पकड़ लिया था, और 10 बजे मैंने पहली ली थी ट्रेन, और कंदौवली से शायद मैंने फिर ये दूसरी दिल्ली के लिए ट्रेन ली थी, और ये चली थी 12:40 पे। मैं बैठ गई थी इस पे 11:20 पे, तो करीबन 1 घंटा मैं वैसे बैठी रही। तो 12:40 पे ये बस कह रही हूँ ट्रेन शुरू हुई थी। उसके बाद ये गई थी असम में से होते हुए पहले दार्जिलिंग था, पता नहीं क्या था, पश्चिम बंगाल गई थी। पश्चिम बंगाल से होते हुए उसके बाद ये, हाँ बेटा, बच्चा क्या चीज़ बेटा, इस तरीके से आते जाते रहते हैं पूरा टाइम, खाने का कुछ भी अगर आपको सामान लेना हो। क्या बेटा, क्या दिखा रहे हो भैया मुझे आप? अच्छा गाड़ी, ये मुझे ट्रेन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आते रहते हैं। तो सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी नमकीन भुजिया ली थी अभी नाश्ते में, और वो नमकीन भुजिया मतलब इसके लिए भी ली थी लेकिन इसने खाई नहीं, तो सारी मुझे खानी पड़ी। फिर अभी तो उठे हैं तो अभी कुछ आएगा। मैंने पूछा क्या खाएगा विहान, तो बोलता अंडा। तो देखती हूँ कुछ एग वगैरह कुछ मिलेगा तो मैं विहान को खिला दूंगी, नहीं तो सुबह का नाश्ता भी आएगा थोड़ी देर में, जो भी आएगा कुछ मतलब थोड़ा हेल्दी देखूंगी वो विहान को खिला दूंगी। और कल मैं पूरा मतलब कल 12:40 पे ट्रेन चली थी, 11:20 पे मैं इस ट्रेन में बैठ गई थी। उसके बाद 12:40 से लेकर पूरा मतलब अगली 12:40 की भी सुबह मतलब कल पूरा दिन और पूरी रात में जनरल डिब्बे में ही मैंने सफ़र किया था। उसके बाद फिर टीटी से बात करके फिर मैंने इतना चेंज करवा लिया था सुबह 6 बजे। उसके बाद क्योंकि पूरी रात तो हम सो भी नहीं पाए हैं, ना मैं सोई हूँ ना विहान भी, 15-20 मिनट के लिए सोता, उसकी भी नींद टूट जाती थी। तो उसके बाद विहान को सुबह 2 घंटे ये सोया है, 5 बजे सोया था ये, तो 5 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक 3 घंटे ये सोया है। अदरवाइज ये भी ऐसे ही सो रहा था, 15 मिनट सो रहा है आधा घंटा, क्योंकि गोदी में बैठना आपने भी देखा है सीट थी होती नहीं है, तो बच्चा भी परेशान हो रहा था। तो अभी मेरे को, मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर कि मुझे सीट मिल गई है। तो सीट कौन सी मिली है तो बता देती हूँ, ये जो ऊपर वाली जो सीट है ना जो आपको दिख रही है, ये सीट मुझे मिल गई है। तो यहाँ अभी देखो इस तरीके से चाय, क्या पानी की बोतल अभी तो रखी हुई है हमारे पास, ये देखो अभी इतनी बची हुई है पानी की बोतल, तो अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, चाय मैं पीती नहीं हूँ।
है वहाँ पर मुझे थोड़े पैसे मतलब फालतू लग गए, जितने थे उससे डबल लग गए, बट मुझे टिकट मिल गया। मेरे करीबन 1000 रुपए लगे हैं और 1000 रुपए में मेरे को ना कल मतलब कुछ घंटों के लिए स्लीपर वाली मिल गई है। मतलब ये लगा लो करीबन 14 घंटे के लिए मुझे स्लीपर वाली मिल गई, बाकी टाइम मैंने जनरल वाली में सफर किया सारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंद कर लेंगे, लगा देंगे ना, ओपन कर देंगे तो ये भी सीट बन जाएगी इधर भी और इधर भी। ये वाला जो है इसको अगर खोलेंगे ना तो ये सीट बन जाएगी। तो यहाँ पे अभी सीट की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीट है अब आराम करने के लिए। और मैं ज्यादा नहीं कहती बट मैं 2 घंटे सोई हूँ, बहुत अच्छे से नींद आ गई थी 2 घंटे, क्योंकि सीट मिल गई। बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गई थी मैं। और यहाँ पे देखो ये स्टेशन आ रहे हैं जा रहे हैं पता नहीं चल रहा। और अभी देखिए देख सकते हो अभी आप कितनी ज्यादा ट्रेन की आवाज आ रही है, ये पानी वानी लेके जा रहे हैं। अभी लूंगी इनसे बोतल अभी थोड़ी देर में वीडियो का एंड करके, क्योंकि मेरी बोतल खत्म हो गई है। मैं एक बोतल खरीदती हूँ पानी की, वो जब खत्म हो जाती है तब मैं दूसरी खरीदती हूँ, इकट्ठी नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि ये ठंडा पानी रखते हैं और ये घूमते रहते हैं। तो पानी है ना, जब अब दोबारा लूंगी इनसे ठंडा बोतल मिल जाएगी, इकट्ठी लेके रख लूंगी सारी बोतल गर्म हो जाएगी, तो मैं नहीं ले रही हूँ। बाकी पानी की विहान को खूब पानी पिला रही हूँ मैं। और देखो अभी बाहर हूँ तो बाहर के हिसाब से वैसा ही खाना खाना पड़ता है, मजबूरी लगा लो। तो विहान कुछ और था नहीं कोई ऑप्शन, काफी देर वेट किया तो यहाँ समोसे दे रहे थे 10 का 1 समोसा, तो 2 समोसे लिए, 1 समोसा मैंने खाया, 1 समोसा छोटा समोसा था विहान को खिला दिया मैंने, कम से कम इसका पेट भरा रहे। फिर पानी वानी पिलाया है। अभी देखो अभी क्योंकि अभी करीबन 11:30 बज रहे हैं और मेरा 11 घंटे का सफर अभी और बचा हुआ है। तो अभी मैं उम्मीद करती हूँ कि लंच कुछ अच्छा मिल जाए जो भी हमको खिला दूँ मैं। तो बस देखते हैं अभी आगे कौन सा स्टेशन आता है। अभी यूपी चल रहा है, दिन में पूरी रात बिहार चल रहा था, बिहार में से निकले थे हम, उससे पहले पश्चिम बंगाल से होके निकले थे, अभी यूपी में से होके निकल रहे हैं। फिर यूपी के बाद तो एक मेरे ख्याल से वही दिल्ली वगैरह आ ही जाएगा, यूपी काफी बड़ा है, टाइम लग रहा है यूपी में। हाँ यहाँ पे ये इधर भैया है, आपको मैं इधर दिखाऊंगी, ये उन्होंने भी हम को 2 टॉफी दे दी मिंटोस वाली, अभी मेरे को मैंने रख ली पर्स में, तो बच्चा है ना तो दे देते हैं टॉफी वगैरह, तो वो मैंने रखी हुई है पर्स में, दी नहीं मैंने, तो अभी तक कह रहा है मेरे को दे दो, क्या करें। देखो अपना वो है कि सफर है तो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। बाकी हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एसी वाला डब्बा तो नहीं है बट यहाँ पंखे चल रहे हैं, आप देखोगे देखो 3 पंखे हैं ये चल रहे हैं। और अभी कोई अभी एक बार खाना वाना खा के कुछ एक बार थोड़ा स्टॉपिंग वगैरह पे किसी भी थोड़ा बहुत रुकेगी, फिर मैं विहान को सुला दूंगी 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि उसके बाद भी देखो हमें आगे बहुत सारा सफर अभी तय करना है। बस ये है कि अब थोड़ी हिम्मत आ रही है, कितने घंटों का सफर तय कर लिया है, मीन्स आप देख लो कल 9:30 बजे निकली थी मैं, उसके बाद आज कितना टाइम हो चुका है, मैं तब से ट्रैवल कर रही हूँ और मेरी पहली जर्नी है ये, मैंने इससे पहले कभी ट्रेन में सफर नहीं किया जिंदगी में, फर्स्ट टाइम मैंने ये ट्रेन का सफर देखा। और किया तो इतना बड़ा ट्रेन का सफर किया है, 2 दिन 1 रात, मतलब इस तरीके से ये सफर था गुवाहाटी से दिल्ली के लिए। बट चलो कोई नहीं, एक आप लोग कह रहे थे कि आप प्लेन में क्यों नहीं गए, तो देखो अगर आप एकदम से प्लेन की टिकट लेते हो तो कम से कम मेरे और विहान का 15,000 का खर्चा बैठ जाता, तो यहाँ मेरा टोटल ही 1000 रुपए का खर्चा लगा है, तो कहाँ 15,000 कहाँ 1000 रुपए, आप खुद सोचिए ना। अब 14,000 रुपए बचेंगे तो वो घर में ही कहीं काम आ जाएंगे, तो इंसान सोचता है, आप खुद सोचिए ना थोड़ा सा कि कहीं थोड़ा बहुत पैसे बच जाए, आप समझ सकते हो। हाँ बेटा अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, प्लेन से तो हर कोई जा सकता है लेकिन हर कोई अपना देख के चलता है ना, कि देखो अपना पैसे बचा के थोड़ा बहुत कहीं और यूज हो जाए, कहीं और काम आ जाए, तो ये पैसे बचेंगे। तो मैं सोच रही हूँ विहान के हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊंगी, मैंने ये चीज लाइन में मेरे अभी चल रही है, मैं अपना और विहान का जाते ही सार मुझे बस विहान का और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है सबसे पहले, मैं बस इसी के बारे में पता करूंगी। और जो मेरी अभी इस महीने थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वो मैं हेल्थ इंश्योरेंस में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है आज के टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस होना, फिर कल को कुछ भी एकदम से मुसीबत आ जाए, कुछ आ जाए, आप कहाँ से आपको घर तक बेचना पड़ जाए, इतना मेडिकल पैसा इतना लगता है पानी की तरह। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप बच सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं है, इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि शरीर का कुछ नहीं पता अंदर क्या बीमारी बनती है, क्या शरीर है आजकल कुछ नहीं रह रहा हमारा शरीरों में भी, तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर करवाना चाहिए,
जाते ही सबसे पहले विहान को और अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाऊंगी, बस ये मैंने डिसीजन लिया है। तो बस ये वीडियो भेजूंगी, थर्ड वीडियो पता नहीं, मेरी आशा है ना भी जा पाए, क्योंकि मेरे दूसरे फोन से मैं भेजती ना उसमें अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों नेट पैक, या तो दिल्ली जाके क्या पता नेट चल जाए मेरा फिर से, अगर चल गया तो वीडियो रात को भेज दूंगी, क्योंकि यहाँ सिग्नल नहीं है पता नहीं क्यों उसके वोडाफोन के, मतलब मैं बताऊँ जियो के इतने अच्छे सिग्नल है हर जगह मिल रहे हैं मेरे को, वोडाफोन का कहीं कुछ सिग्नल नहीं मिल रहा, जियो वाला मेरे को बहुत सही लगा अपना पता नहीं क्यों, जियो के सिग्नल बहुत अच्छे आ रहे हैं, वोडाफोन कहीं मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल चल ही नहीं रहा मेरा, अभी रस्ते में कहीं नहीं चल रहा था, देखती हूँ अगर उसमें पड़ी है मेरी वीडियो अगर भेज पाऊंगी, अगर दिल्ली में मेरे ख्याल से सिग्नल मिल गया, लेकिन दिल्ली में लेट पहुंचूंगी, 10 भी बज सकते हैं रात के, मिलती हूँ, चलिए जी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखते हैं, लाइक करो बोल दो, सब्सक्राइब भी करवा दे, चलिए जी अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।